नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रियंका गांधी मौन धरने पर बैठ रही हैं। उनके साथ हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी गांधी प्रतिमा स्थल पर जुटने लगे हैं। गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी भी मौजूद हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से ही प्रियंका गांधी सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। प्रियंका गांधी मौन धरने पर बैठने जा रही हैं। हालांकि ये कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक चलने वाला था, लेकिन ये आगे बढ़ा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से। और प्रियंका गांधी गांधी प्रतिमा के पास, यानी कि हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा स्थल पर आज मौन धरने पर बैठेंगी, सरकार को जगाने की कोशिश करेंगी। लगातार लखीमपुर खीरी मामले को लेकर, हिंसा को लेकर वो प्रदर्शन कर रही हैं और अजय मिश्रा ट्रेनी के इस्तीफे की मांग भी कर रही हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी लगातार लखीमपुर खीरी मामले से गुस्सा है और अपना गुस्सा प्रदर्शन करके दिखा रही हैं। गांधी प्रतिमा पे सुरक्षा के इंतजाम भी हैं, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जुट चुके हैं और अब वो मौन धरने पर बैठेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगी। ग्राउंड रिपोर्ट पे हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं, आपको दिखाते हैं कि वहां पे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और प्रियंका गांधी ने पहले ही कह दिया था कि जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा, तब तक कांग्रेस ये लड़ाई लड़ती रहेगी। राजधानी लखनऊ की गांधी प्रतिमा पर इस वक्त हम मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँचेंगी। प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं के साथ 1 बजे से लेकर 3 समय बताया जा रहा था, हालांकि समय थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठकर मौन व्रत धार करेंगी और कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगी, ये मांग मंगवाने की कोशिश करेंगी कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा हो। अगर इस्तीफा नहीं होता है तो ये जो कार्रवाई है ये सही तरीके से नहीं होगी। फिलहाल यहाँ गांधी प्रतिमा पर इस वक्त कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के वो मौजूद हैं, बड़े बड़े कई सारे नेता कांग्रेस के जो हैं वो मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि सारी तैयारी जो है वो कर दी गई है, बैरिकेटिंग कर दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी यहाँ पर आ चुके हैं और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी यहाँ पर आएंगी और मौन धारण करेंगी, मौन व्रत करेंगी और अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग करेंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेन के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक वहां पे प्रियंका गांधी नहीं पहुंची हैं। तो प्रियंका गांधी के पहुंचने का इंतजार है, उसके बाद मौन व्रत शुरू किया जाएगा। गांधी प्रतिमा पर कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की बात करें तो वो भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंचेंगी और सरकार को जगाने के लिए, साथ ही लखीमपुर मामले में अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए इस्तीफे की मांग को लेकर ये मौन व्रत किया जा रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।